अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्टार्टअप्स किए और बहुत सारी दफ़ा मैं फ़ेल हुआ। तो अब फ़ेल होना इम्पॉर्टेंट क्यों है? फ़ेल होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप फेलियर से डरते रहेंगे तो आप कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं करेंगे, और आप कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो कोई चीज़ कम्प्लीट ही नहीं करेंगे, और जो चीज़ कम्प्लीट नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। बिल्कुल जिस तरीके से कोई भी बच्चा छोटा होता है और वो चलने की कोशिश करता है तो हम उसको, और गिर जाते हैं तो हम उसको अब्बा अम्मा ये नहीं कहते, ओ बेटा गिर गया, नहीं चला नहीं कर, छोड़ दे, चलने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलते। बल्कि हम क्या कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, इसको पकड़ के चलो, अपना उंगली देते हैं, अपना हाथ देते हैं, उसको पकड़ पकड़ के चलाते हैं, और पकड़ पकड़ के चलाते हैं, और चलने के बाद वो चलना शुरू कर जाता है तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है ज़िंदगी में जो गिरा ना, और ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर भी नहीं होगा जिसको कोई धचका ना लगा हो, जो फेल ना हुआ हो। तो फेल होना सिलिकन वैली, जो कि दुनिया का हब है स्टार्टअप्स के लिए, वहाँ पे अच्छा समझा जाता है। अगर एक आदमी ने दो फेलियर किए हैं तो तीसरी दफ़ा उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि उसको पता है कि फ़ेल कहाँ कहाँ वो हुआ था, अब ये चीज़ें मिस्टेक्स दोबारा क्रिएट नहीं करनी। तो फेल होना बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे लें उसको आग लगा के चूल्हे में डाल दें, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप तैयार हो जाएं कि आपको लोग बातें कसेंगे, आपके बारे में बुरा भला कहेंगे, जो आपको समझता नहीं है वो तो यही कहेगा ना। तो आप, लेकिन अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं, आप अंदर से डटे हुए हैं कि नहीं मैंने तो जीतना ही जीतना है, तो आपको फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आप, असल तरीका क्या है सक्सेस का, आप फेल हों, लर्न करें, दोबारा खड़े हों, दोबारा शुरू हो जाए। बस हारना नहीं है, बैठना नहीं है, खड़े होना है और फिर चलना शुरू कर देना, खड़े होना है फिर चलना शुरू कर देना। तो जैसे वो इंडियन फिल्म का हीरो होता है ना, उसको 50 गोलियां लग जाती फिर भी लगा रहता है, बिल्कुल वैसा बन जाना। कुछ भी हो जाए बस गोली वो हीरोइन तक पहुंच के रहता है। बिल्कुल इसी तरह आपने अपनी सक्सेस तक पहुंच के रहना है, कि ये ना हो कि जी एक गोली लगी तो पड़ों हो गए, लेकिन इंडियन फिल्म का जो वो जो साइड हीरोज़ होते हैं उनको एक गोली लगते वो गिर जाते हैं, इसीलिए वो साइड हीरो है ना, हीरो नहीं बनते। हीरो वो होता है जिसको 50 गोलियां लगें और फिर भी वो और शुरू हो जाए। तो आप भी उसी तरह के हीरो बने और आपको भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी।